बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डेविस लैब लेबोरेटरी की। जो बात करेंगे तो 3498 रुपये का शेयर है दोस्तों। कौन से लेवल पे अभी बाई कर सकते हैं, और ऐसा ही सीजन चल रहा है अभी कोरोना टाइम्स, जो कि मार्केट काफ़ी गिर रहा है। सो इस अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें डेविस लैब को हिसाब पे कौन से लेवल पे हम बाइंग करके स्टॉक को सेल कर सकते हैं, ताकि हमें शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल को देखने में कि क्या चल रहा है फंडामेंटल में, और चार्ट पैटर्न से समझेंगे हम कौन से लेवल पे अच्छे से बाइंग देखने को मिल सकता है। उससे पहले आप फंडामेंटल समझ लें, फंडामेंटल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो बात करें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहें तो इसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। क्वालिटी और वैल्यूएशन को लेकर इसमें पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे दोस्तों देखिए फंडामेंटल जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्वालिटी करके देखें, एक्सेलेंट कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है ये फार्मा सेक्टर के अंदर, इसीलिए यहाँ पे शेयर का प्राइस भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन की बात करें वेरी एक्सपेंसिव है, और फाइनेंशियल ट्रेड नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम स्टॉक में ज़्यादा शेयर इन्वेस्ट या फिर ज़्यादा कैपिटल हमारी जो है यूज़ नहीं करेंगे। बात करें दोस्तों 1 ईयर रिटर्न की, तो स्टॉक के जो 1 ईयर रिटर्न है -21% देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे अभी एक साल में इसने -21% हुआ है। तो एक साल पहले जिसने भी बाइंग किया था वो -21% अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन फार्मा की इंडस्ट्री है ये, और मार्केट कैप भी 95,000 करोड़ का है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। पी देखें तो 31 पॉइंट के साथ है, और डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो हमारा शेयर जो है बड़ा बड़ा कुछ डिविडेंड भी ले सकता है, तो ऐसा सही है, ऐसे शेयर रखना चाहिए हमें। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे शेयर पैटर्न के ऊपर, जो कि आपको देखने को मिल रहा है प्रमोटर्स होल्डिंग 51 देखने को मिल रही है, FIs 15%, म्यूचुअल फंड 13%, इंश्योरेंस कंपनी 5%, DIs 1%, एंड नॉन इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक में देखा जाता है 11% है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पार्टिसिपेट देखने को मिल रहा है ऑल प्रमोटर्स होल्डिंग का। तो यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट पैटर्न पे दोस्तों। यहाँ पे चार्ट पैटर्न हमें कह रहा है कि यहाँ पे लेवल जो बन रहे वो काफ़ी नीचे के देखते हुए ने, चार्ट पैटर्न काफ़ी नीचे को जा रहा है। बिकॉज़ अगर डे के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे क्या एक बार वापस से बाइंग लेवल देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे 3 मंथ के चार्ट पैटर्न पे क्लिक करते हैं, और क्या इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसा कि बात करें ये काफ़ी टाइम से एक ट्रेड पे चल रहा था 3556। ठीक है, तो ऑलरेडी हाई एक अच्छा प्रेडिक्शन है इसके लिए, और जैसा कि आप देख पा रहे कि ये 3800 के लेवल पे भी गया हुआ था 3 मंथ के हिसाब से, जो कि था ये, मैं कंसोलिडेट की बात करूँगा 27 अक्टूबर के, उसके बाद ये गिर चुका था लगभग 14 नवंबर को काफ़ी हाई लेवल से, और इसका जो रेसिस्टेंस लेवल था वो था 3100, मतलब 3200 आप मान लीजिए, और एक लेवल बन रहा है यहाँ पे 3300 का, जो कि कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिलता है। और ये लेवल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और आपका जो बाइंग लेवल बनता है दोस्तों, फर्स्ट बाइंग आपका 3300 पे बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट बाइंग आपका जो इसका सपोर्ट लेवल है 3200 पे बनेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में लगभग आपको 6 1 साल में भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, बिकॉज 21% ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में साल में रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ से आप बाइंग करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म भी बनेगा, और ये ज़्यादा दूर नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप 3200 के आसपास बाइंग करेंगे काफ़ी अच्छा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरते हुए हिसाब से बाइंग करेंगे तो आपको ये इतने में थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जितना पेशेंस रखेंगे उसके हिसाब से ये आपको ये 3200 के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट गिरने वाली सिचुएशन बन रही है, जिसके अंदर ये शेयर इतने में आ सकता है, और इस लेवल को अगर तोड़ता है तो लगभग आपको जो है सतर्क रह जाना है। लगभग इस शेयर के प्राइस को आपको 3000 के आसपास बाइंग करना है, और काफ़ी अच्छा शेयर है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही नीचे गिरा देगा, लेकिन वो न्यूज़ के ऊपर है कि कैसी न्यूज़ रहती है, क्या स्थिति बनती है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट बाइंग है 3300, अगर आपको जल्दबाजी है तो लगभग आप 3350 के आसपास एक लेवल बन सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ये 3500 का लेवल बन रहा है ये एकदम से आपको भयभीत कर सकता है। इस प्रकार से जो कैंडल बनती है यहाँ पर, ये एक बाइंग लेवल है, इसके बाद एक बाइंग लेवल की बनती है, तो मार्केट ऑलरेडी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार से ज़्यादा बाइक नहीं बन सकते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से एक बड़ा हाई लेवल था, और मार्केट बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने एक अपना लेवल तोड़ा, उस लेवल के बाद में ये पूरा 3800 से लेकर 3300 का जो इसका सफ़र था वो बहुत ही डरावना था। ठीक है, तो आपको बाइंग मेरे हिसाब से करेंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा,
एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे मार्केट से। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।